वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पीजी कैंप ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एंड डायनोन फिनोल रीअरेंजमेंट डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट, ये क्या है? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है। क्या है? एक कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है। इसमें भी एराइल एल्काइल या हाइड्रोजन माइग्रेट करके मोर स्टेबलर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की और इसके रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट क्या होगा इसमें? रिएक्टेंट में इसके कोई भी लिविंग ग्रुप, जो भी बेस्ट लिविंग ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट दो तरह से बनता है, एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और एक इलिमिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और एक इलिमिनेटेड प्रोडक्ट। चलिए इसको वर्ड्स में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इन्वॉल्विंग वन टू शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एल्किल और एलिल ग्रुप टू फॉर्म अ न्यू एंड स्टेबलर कार्बोकैटायन इज कॉल्ड विग्नर मिरविन रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट। ऐसे तो हमें कुछ समझ में आया नहीं, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका न्यू पेंटाइल सिस्टम को CH3 योग्य न्यू पेंटाइल सिस्टम। ओके, सबसे पहले हम लोग इसका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। OH- का सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन पहले I माइग्रेट कर जाएगा या लीव हो जाएगा और वहां पे OH डायरेक्टली आके अटैच हो जाएगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट। एक और प्रोडक्ट बनेगा जब हम लोग CH3 को माइग्रेट करा के स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे एंड वो हो गया हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट। क्या होगा? रीअरेंज प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट। एक और प्रोडक्ट बनता है, दैट इज इलिमिनेशन प्रोडक्ट। H2O आता है, ATOH एंड हीट, ये है एलिमिनेशन प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? CH3 CH3 CH3। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। रिएक्टेंट क्या था? नियो पेंटाइल सिस्टम CH3 CH3 CH2 I। पहला स्टेप में क्या होगा? I यहां से लीव कर जाएगी और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगी, CH3 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 CH2 प्लस। ये क्या है?
प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्या ये और स्टेबल बनाया जा सकता है? तो आंसर होगा हाँ। कैसे? अगर CH3 को यहाँ पे हम माइग्रेट करा दें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? OH का सबस्टिट्यूशन, OH का सबस्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली जहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है वहाँ पे सबस्टिट्यूट करते हैं OH को, CH3, CH3, CH2, OH। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट। ओके, एक और बनेगा प्रोडक्ट जिसमें हम लोग प्राइमरी को और स्टेबल कार्बोकैटायन मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन में चेंज करके उस पे OH का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। कैसे होगा? 1,2 मेथाइल शिफ्ट से, M12 मेथाइल शिफ्ट, CH3 CH3 ये मिथाइल क्या होगा यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, CH2 CH3 एंड कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा। ये हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। पहले वाले से बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है? टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ओके, तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब इस पे फिर हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप यानी OH का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 OH CH2 CH3। ये हो गया हमारा रीअरेंज प्रोडक्ट, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। ओके, इन दोनों में ये हो गया मेजर क्योंकि ये टर्शियरी कार्बोकैटायन से फॉर्म हुआ है एंड ये हो गया माइनर क्योंकि ये प्राइमरी से फॉर्म हुआ है। ओके, एक और प्रोडक्ट बनेगा जो है इलिमिनेशन प्रोडक्ट, इलिमिनेशन प्रोडक्ट। वो कैसे फॉर्म होगा? तो हम लोग अपने टर्शियरी कार्बोकैटायन से इसको फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे? इसको हम लोग ले लेते हैं CH3 CH3 टर्शियरी तक तो हम लोग बना लेंगे सिमिलर स्टेप से ही जाके, टर्शियरी को हम लोग कंसीडर करते हैं CH3। ओके, अब इसको हम लोग इलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए CH इससे बना H CH2। ओके, ये हो गया हमारा टर्शियरी कार्बो कैटायन, टर्शियरी कार्बो कैटायन। इसमें हम लोग डालते हैं H2O ETOH एंड हीट, क्या हो जाएगा? इलिमिनेशन, इलिमिनेशन। ये जाके इसको इलिमिनेट करेगा, फॉर्म करेगा CH3 C हाइड्रोजन, क्या करेगा यहाँ पे जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा, डबल बॉन्ड CH CH3। ये हो गया हमारा इलिमिनेशन प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें हमें तीन तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हुए, एक मेजर, एक माइनर जो सब्स्टिट्यूशन द्वारा फॉर्म हुआ एंड एक इलिमिनेशन प्रोडक्ट जो टर्शियरी कार्बोकैटायन को लेके हमने इलिमिनेट करा के हाइड्रोजन को फॉर्म किया। अब सिमिलरली हम लोग टर्पीन्स में देखेंगे, सिमिलरली हम लोग को टर्पीन्स में भी वेगनर मिडविन रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है। तो चलिए टर्पीन्स में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं अल्फा पाइनिन का, अल्फा पाइनिन का स्ट्रक्चर ऐसे हो गया अल्फा
पाइनीन, इसमें HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे डालते हैं, सेकंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फॉर्म होता है बोरानिल क्लोराइड। HCl ये ऐसे, ये हो गया अल्फा पाइनीन एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, बोरोनाइल क्लोराइड। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म अल्फा पाइनीन लेते हैं, उसमें HCl पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, क्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा, ओके। अब ये हो गया लिविंग ग्रुप, इसको हम लोग हीट देंगे तो क्लोरीन क्या करेगा, लीव कर जाएगा, यहाँ से गया कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, लीव करके, लीव किया कार्बोकैटायन बना, ओके। ये हो गया हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। अगेन हम इसमें बॉन्ड शिफ्टिंग कराएंगे क्योंकि हमारे पास इसको रीअरेंज करने का ऑप्शन है, बॉन्ड शिफ्टिंग। यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है तो बॉन्ड शिफ्टिंग होगा। प्रोडक्ट बना ये कार्बोकैटायन आया यहाँ पे, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगेन सीएल आया, अटैक किया यहाँ पे एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ बोरोनिल क्लोराइड, बोरोनाइल क्लोराइड सीएल दैट, ओके। क्योंकि ये टर्पीन सिस्टम है तो इसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन था। सिमिलरली हम लोग कैम्फीन कंसीडर करेंगे, वो भी एक टर्पीन सिस्टम है कैम्फीन, और उसमें देखेंगे हम लोग वेगनर मिरविन रीअरेंजमेंट कैसे होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग कैम्फीन का, स्ट्रक्चर कैसे होगा, दैट एंड दैट। ये हो गया हमारा कैम्फीन, ये भी एक टर्पीन सिस्टम ही है, इसमें भी हम लोग HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे डालेंगे तो आइसोबोरोनिल क्लोराइड फॉर्म होगा। क्या बनेगा, आइसोबोरोनिल क्लोराइड कैसे बनेगा, HCl ये आइसोबोरोनिल क्लोराइड। इसमें क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का डिफरेंस होता है बोरोनाइल में और आइसोबोरोनाइल में, इसमें HCl डैश पोजीशन पे और बोरोनाइल में HCl वेज पोजीशन पे होता है, बोरोनाइल में HCl वेज पोजीशन पे होता है, ओके। इस पे अबव द प्लेन एंड इस पे बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन अब चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म जैसे अल्फा पाइनिन में हुआ वैसे ही कैम्फीन में भी सेम मैकेनिज्म होगा, ओके।
कैम्फीन HCl डाला, 0 डिग्री पे हीट किया, Cl जाके अटैच हो जाएगा, Cl जाके अटैच हो जाएगा, ये हो गया Cl। यहाँ से लीव करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्पीन्स में टर्शियरी नहीं स्टेबल होता है, इससे ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी होता है। अब यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट करेगा ये और बना लेगा इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये हो गया हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइनस सेल किया, ये बनाया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू टर्शियरी कार्बोकैटायन। फिर यहाँ सीएल आया, अटैक किया और बनाया आइसोबोरोनिल क्लोराइड, आइसोबोरोनिल क्लोराइड बिलो द ग्रुप सीएल, बिलो द प्लेन से सीएल आके अटैच हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा टर्पीन्स में वेगनर मिरमिल रीअरेंजमेंट। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लिक सिस्टम का, साइक्लिक सिस्टम का। बाईसाइक्लिक सिस्टम लेते हैं हम, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया OH, मेथिल, मेथिल बिलो द ग्रुप से हाइड्रोजन, S प्लस से रिएक्शन होगा, रीअरेंजमेंट होगा और 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगा H, H, ओके। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म बाईसाइक्लिक सिस्टम है, OH, ME, ME, H प्लस का अटैक कहाँ होगा, OH पे बनेगा H2O, बेस्ट लिविंग ग्रुप, और यहाँ से लीव कर जाएगा, लीव करके क्या फॉर्म करेगा, कार्बोकैटायन H2O, ME, यहाँ से लीव कर गया, बना कार्बोकैटायन। ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्या हम इसको और स्टेबल कर सकते हैं, तो हाँ, अगर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव करा दें तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। चलिए मूव कराते हैं, नेक्स्ट स्टेप होगा बॉन्ड शिफ्टिंग का, बॉन्ड शिफ्टिंग का हम क्या फॉर्म हुआ, तो फॉर्मेशन हुआ, ये सब बॉन्ड सेम रह गया यहाँ तक, ये बॉन्ड शिफ्ट कर गई, ये बॉन्ड यहाँ आई, इससे मेथिल मेथिल अटैच है, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इस पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन स्टेबलाइज कर दिया, यानी एलिमिनेशन हो गया, एम ई, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट।